गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.2 कर रहे थे और दूसरे सम के हम 6 पार्ट कर चुके थे। आज हम इसका 7th पार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर, यानी कि ये एक्स माइनस वाई की स्क्वेयर हमें दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और सारे का होल स्क्वेयर 2 माइनस जेड की स्क्वेयर। अब ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया। हमारा फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, प्लस बी की जगह क्या आ गया, जेड। और फिर दोबारा ए माइनस बी लेना, तो ए की जगह क्या आ गया हमारा, एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारा 25 ए स्क्वेयर माइनस 4 बी स्क्वेयर प्लस 28 बी सी माइनस 4 ए सी स्क्वेयर। देखो ये 25 ए स्क्वेयर तो वैसे ही रह जाएगा, हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अब इन सारों में हमारा ये माइनस बाहर आ गया, तो इन सबके निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का 28 बी सी हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया 49 सी की स्क्वेयर। ठीक है बेटा, तो अब हमारा फार्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर। तो 25 ए की स्क्वेयर है माइनस 4 में हम किसका स्क्वेयर करें, 2 का स्क्वेयर करेंगे, 2b का स्क्वेयर करेंगे तो 4b का स्क्वेयर बन जाएगा। हमने माइनस ये छोड़ दिया, प्लस 49 है, 7c की पावर 2 हो गया। माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या आ गया, 2b इंटू बी की जगह आ गया 7c। तो हम इसको सोल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, बी सी माइनस का आ गया 25 ए की स्क्वेयर है माइनस। अब ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, यानी कि ए माइनस बी की स्क्वेयर का फार्मूला बनाना है। तो हमारा फार्मूला बन गया 2b माइनस 7c की स्क्वेयर। 25 में 5 ए की स्क्वेयर हो गया माइनस 2b माइनस 7c और सारे का होल स्क्वेयर 2 हो गया। अब इस समय हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, 5a प्लस 2b माइनस 7c, आगे हमारा 5a। आपको बोला था बेटा जब माइनस के बाद टू टर्म्स होंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक बार, 2b माइनस 7c और 5a प्लस 2b माइनस 7c 5a। अब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2b और 7c ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ये आपके ये दोनों भाग कंप्लीट हो गए, आप एक बार इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे थर्ड सम, इसमें हमने भी फैक्टराइज करने, बस इसमें हमने इन दोनों में कॉमन लेना है। देखो दोनों में एक जैसी चीज़ क्या है, दोनों में एक्स है, इसमें एक्स 2 है, इसमें 1 है, तो 1x बाहर आ गया, तो 1x बाहर आ गया, तो इधर से क्या बच गया, a बच गया, एक्स 2 थे तो 1x बच गया, प्लस का निशान था ये प्लस आ गया, एक्स चला गया, खाली क्या बच गया, b बच गया, ये हमारा सम हो गया। ठीक है, अब इसमें है 7p स्क्वेयर प्लस 21q स्क्वेयर, इन दोनों में 7 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 7 बार आ गया। अब इसमें से 7 चला तो क्या बच गया, पी की स्क्वेयर बच गया, प्लस 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 3, 7 3 जा 21, 3 क्यू की स्क्वेयर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इन तीनों में हमारा कॉमन क्या है, देखो बेटा तीनों में 2 आ रहा है, इसमें एक्स 3 है, इसमें एक्स 1 है और इसमें एक्स 1 है, यानी कि 1x बाहर आ गया और इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें 2 बार आ गया, एक्स बार आ गया, तो एक्स कितने बच गए इसमें बेटा, 2 बच गए, ये प्लस है, प्लस आ गया, 2 और एक्स इसमें रह गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, वाई की स्क्वेयर प्लस, इसमें 2 और एक्स निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ जेड आएगा बेटा आपका, जेड की स्क्वेयर, ये आपका आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट है
एम स्केयर प्लस बी एम स्केयर प्लस बी एन स्केयर प्लस ए एन स्केयर। अब इसमें हमने दो दो का ये टर्म लेने हैं, इन दोनों में एम स्केयर कॉमन है तो एम स्केयर बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा ए प्लस बी। अब इसमें प्लस एन स्केयर बाहर आ गया, यहाँ पे बी प्लस ए बच गया, तो बी प्लस ए और ए प्लस बी आपका एक ही बात होती है, इससे कोई फर्क नहीं है। तो यानी कि ए प्लस बी, एक तो ब्रैकेट के अंदर वाला आपका कॉमन आ गया और बाहर वाला एम स्केयर प्लस एन की स्केयर, ये हमारा आंसर है बेटा। अब है एल प्लस एम प्लस वन एम, तो इन दोनों में एल कॉमन आ गया हमारा, तो क्या बच गया यहाँ पे एम प्लस वन। यहाँ पे हमारी ये दो रकमें बच गई, तो यहाँ पे हमारा एम प्लस वन आना चाहिए, तो एम प्लस वन के अलावा क्या बचा, खाली प्लस का निशान बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो एम प्लस वन और एल प्लस वन, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सम में आपका कॉमन आया ही हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक बार लिखा जाएगा, जो बाहर है उसको इकट्ठा करके हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये हमारा आंसर सीधा आया ही हुआ था। अब इसमें हमने कॉमन लेना है, तो इसमें हमारा कॉमन क्या आ गया, दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में वाई भी है, तो इधर से एक वाई बच गया माइनस 4। तो इसमें इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये रकम पहले आनी चाहिए हमारी, यानी कि 5y² माइनस 20y, ये रकम आप पहले लिखोगे 2yz माइनस 8z। ये इसलिए पहले लिखे क्योंकि अब y कॉमन आना चाहिए, तुम्हारा y तभी कॉमन आएगा अगर ये रकम पहले लिखी जाएगी। तो यहाँ से देखो दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में z भी है, यहाँ पे हमारे को वाई चाहिए, वाई माइनस 4 चाहिए, तो वाई के अलावा क्या बच गया, वाई इधर आ गया, 2z प्लस का बच गया, तो वाई माइनस 4 आ गया हमारा और 5y प्लस 2z, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है 10ab प्लस 5b। अब इसमें 5b हम पहले ले आए, प्लस 4a प्लस 2, इन दोनों में ये 5 कॉमन है और b कॉमन है, यहाँ से 2a प्लस 1 बच गया, हमें यहाँ पे 2a प्लस 1 चाहिए, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया प्लस का, इसमें हमारा आंसर क्या आ गया 2a प्लस 1 और 5b प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें हमारा कॉमन क्या आएगा बेटा देखो, अब इसमें x वाली रकम मान लो पहले आती है और ये, तो इसमें x पहले लाना पड़ेगा, तो 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या, दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और दोनों में y है, 6 को 2 से डिवाइड करा 3x माइनस 2, यहाँ पे हमें 3x माइनस 2 चाहिए, 9 को 3 से डिवाइड करा 3 और ये प्लस है तो ये माइनस हमारा 12 आ गया, तो 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो आज आपने इन पार्ट्स को करना है और इनको ध्यान से समझना है और अपनी फिर नोटबुक में राइट भी करना है। ओके।